देखो ये डबल स्लिट पैटर्न बेटा, ये है वो फिंजे जो दिखती है ना एक डार्क रूम में, बिल्कुल जैसा आपको बताया मैंने इस तरह का पूरा सेटअप होता है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो लोग कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सब कॉलेजेस में होना चाहिए। ऐसे बहुत जनरल सा एक्सप्रेशन है, हमको भी कराया गया था IIT कानपुर में, ठीक है। और SC वर्मा सर नहीं कराया था, वो इंस्ट्रक्टर थे। तो ये बहुत ही क्लियरली पैटर्न दिखता है, बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है, ठीक है ना। दोनों एक्सपेरिमेंट होते हैं, पहला कोर्स ही होता है फर्स्ट ईयर में, वो ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कोई फिजिक्स वाला ही करेगा। वो जितने बच्चे जाएंगे आगे सबको ये करने का मौका मिल सकता है लैब। बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है, स्कूल्स में नहीं हो सकता, ठीक है। वो सेटअप बहुत महंगे हैं, नहीं किया था सर स्कूल स्कूल में करा दिया आपके, तो यस बहुत सर। ही अच्छी बात है, ठीक है। बट मैंने स्कूल में नहीं सुना था, आज पहली बार सुना है। अपने बोर्ड में तो नहीं है, उसकी बुक में तो नहीं है प्रैक्टिकल, है ना। सर ने करा दिया, बोले चलो करा देते तो बस वेरी कौन गुड सा बेटा, स्कूल आपने है। देख लिया तो। नहीं तो ये कॉलेज में जाके सब लोग कर सकते हैं, डबल स्लिट भी और सिंगल स्लिट, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एनवेलप सा बन रहा है, इसका पैटर्न, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। अभी आप ये समझेंगे कि सारी इंटेंसिटी बराबर है मैक्सिमम पे, ठीक है। ये जो एक एनवेलप सा दिख रहा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, कि आगे इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अभी थ्योरिटिकली हमारे लिए YDSE में सारे मैक्सिमास पर इंटेंसिटी बराबर, ठीक है ना। ये जो मैं आपको फ्रिंजेस नहीं बना रहा था अभी स्क्रीन पे, वो यही है वाइट फ्रिंजेस, ठीक है ना। जो अभी हमने शुरू में मैंने आपको बताया था, सबसे पहला डायग्राम ये सारी फ्रिंजेस, ठीक है ना, ये जो फ्रिंजेस, ठीक है ना। तो ये सारी फ्रिंजेस वो यही वाली है, इस तरह से चलता है। देखो लाइट और लाइट मिलकर अंधेरा बना रही है कि नहीं, क्योंकि इन दो के बीच में बिल्कुल अंधेरा नहीं है क्या। तो ये दो के लाइट के बीच में अंधेरा कैसे आ रहा है, दो लाइट मिलके अंधेरा क्रिएट कर रहा है। तो ये नॉर्मल लाइफ में आप नहीं देख सकते, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपने एक ट्यूबलाइट जलाई, एक बल्ब जलाया रूम में और आपको कहीं ऐसा दिख रहा हो, ये इम्पॉसिबल, ठीक है ना। बट उस डार्क रूम में जो आप देखने वाले हैं लैब में जाके कॉलेजेस, ठीक है, उस डार्क रूम में आपको इस तरह का पैटर्न आप जरूर देखें, ठीक है ना। इस तरह का पैटर्न आप जरूर देखें, क्लियर है बेटा। हाँ बताइए। इसमें लाइट वाले पार्ट की थिकनेस ज्यादा और डार्क की कम है। सर नहीं दोबारा बोलो, लाइट वाले पार्ट में लाइट वाले पैच की थिकनेस ज्यादा है जबकि डार्क वाले की कम है थोड़ी। नहीं, हमारे लिए सब सेम है बेटा, तो डिफ्रेक्शन है ना। सेम ही है दोनों। हमारे लिए इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का पैटर्न क्या रहेगा, हर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सेम, ठीक है। और सारे विड्थ जो है, मतलब दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, वो सब क्या है, सेम है, कांस्टेंट, ठीक है ना। वो देखते हैं अभी कैसे ओके सर। कांस्टेंट, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी तो ये बात समझो, चलो कम ज्यादा दिख रहा है आपको, अच्छी बात है, दिख गया, वेरी गुड, ठीक है। बट थ्योरिटिकली अभी जो आपको इंटेंसिटी भी कम होती हुई दिख रही है ना, देखो यहाँ पे हमारे लिए अभी डबल सर स्लिट में सारे मैक्सिमा पर इंटेंसिटी तो बराबर, ठीक है ना। जो विड्थ है उसकी बात मैं अभी करता हूँ आपसे, ठीक है ना। दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात अभी करते हैं, बट इंटेंसिटी का तो हमेशा ही सेम है, ठीक है। जब तक वो डिफ्रैक्शन की बात नहीं करता, जो नेक्स्ट फिनोमेना है, तब तक, और आपके एडवांस में तो फिर सोचना ही नहीं डिफ्रैक्शन के बारे में, कोर्स में ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें हमेशा केवल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है आपके एडवांस के कोर्स में। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन बिल्कुल समझ में नहीं आ सकते क्लियरली इस स्टेज पर, तो इसलिए वो एडवांस के कोर्स में नहीं, ठीक है। तो देखो S1 एंड S2 विल एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्सेस, सो देयर इज ए कांस्टेंट पैटर्न। ये सब बातें आपको उसी डायग्राम में देखने को मिलती है जब ये जस्ट पता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख देंगे, और आपको वो डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको ऐसा बोर्ड में बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है ऐसा, ठीक है ना। बोर्ड में YDSE के दो स्टैंडर्ड डायग्राम है, वो यही है, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। ये दो डायग्राम और ये पूरा डिस्क्रिप्शन सेटअप का, और फिर वो इंटेंसिटी का रिजल्ट इन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ज्यादा से ज्यादा ये पार्ट डिफरेंस आप चाहो तो निकाल के बता दो, या बोला है तब तो बताओगे किसी जनरल पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन ये रहा, और रिजल्ट इन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशन पता ही है, वेरी गुड। तो आपको याद हो गया ऑलमोस्ट YDSE, हर तरह के सिचुएशन के लिए आप तैयार है, ठीक है। बेसिक YDSE मॉडिफिकेशन अभी नहीं सीखा है आपने, वो सीखेंगे।